डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं, हम लोग अभी 13.3 एक्सरसाइज को पढ़ रहे थे, तो 13.4 एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को। तो टेंथ क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले आयतन वाले चैप्टर में 13.4 एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं। चलिए, तो 13.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ज़रा अब हम लोग देखें। उसके पहले हम लोगों को कुछ फार्मूला, कुछ रूल्स समझ आना चाहिए। तो 13.4 आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक टॉपिक्स को सीखेंगे जिसका नाम है शंकु का छिनक। जी हाँ, अगर आप शंकु के छिनक के बारे में जब तक नहीं जानेंगे क्या होता है शंकु का छिनक, छिनक किसको कहते हैं और इसका क्या फार्मूला होता है, तब तक आपको 13.4 समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझना शुरू करते हैं कि शंकु का छिनक किसे कहते हैं, शंकु का छिनक क्या कहलाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले शंकु के छिनक को समझने के लिए आपको एक शंकु लेना होगा। हमने एक शंकु ले लिया, ये रहा हम लोगों का शंकु। ठीक है, ये शंकु रहा। अब यदि इस शंकु को हम लोग अगर एक ब्लेड से, ध्यान दीजिए, अगर इस शंकु को हम लोग यहाँ से ब्लेड से अगर कट कर दें, शंकु के ऊपर वाले भाग से, जैसे मान लिया ये शंकु है और यहाँ से हम लोग ब्लेड चला दिए, जैसे ही ब्लेड चला दिए तो अब आपको दिख क्या रहा है, यहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, देख पा रहे होंगे ऐसा स्ट्रक्चर। ये तो नीचे वाला है भाई और ये ऊपर वाला, क्या ऐसा नजर आएगा? जी हाँ, बिल्कुल नजर आएगा दोस्त। क्या किए, पहले था ये पूरा शंकु, ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे कि शंकु को एक ब्लेड से काट दिए हैं, तो शंकु का कटा हुआ भाग, इसको क्या बोलेंगे, शंकु का कटा हुआ भाग। अब देख लो भाई, अब तुमको छिनक समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही ब्लेड से काट के ऊपर वाला जो पार्ट्स है इसको हम लोग नेगलेक्ट कर दिए, उधर फेंक दिए, ये बाहर हो गया, तब हमको ये वाला बच रहा है। कौन सा आकृति भाई? ये वाला। ये आकृति बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये आकृति बन रहा है और इसी आकृति को दोस्त कहते हैं हम लोग छिनक। इसी का नाम होता है शंकु का छिनक, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं शंकु का छिनक। अब दोस्त शंकु के छिनक तो समझ में आ गया कि छिनक क्या होता है। तो जब किसी शंकु के ऊपर वाले शंक्वाकार भाग को जब कट कर देते हैं तो जो आकृति मिलती है इसको शंकु का छिनक कहते हैं। अब छिनक में क्या होगा तो आप देखेंगे, तो छिनक में दोनों तरफ वृत्त होगा, एगो इधर वृत्त होगा, एगो इस साइड वृत्त होगा। तो आप छिनक में एक साइड बड़ा वृत्त देखेंगे, जिधर मुंह बड़ा है उधर बड़ा वृत्त और एक तरफ छोटा वृत्त, यानी कि जैसे बेलन में कैसे होता है दोनों तरफ वृत्ताकार, वैसे ही दोनों तरफ इसमें वृत्ताकार तो होंगे लेकिन एक छोटा वृत्त बनेगा एक तरफ बड़ा वृत्त बनेगा। तो छोटा वाला वृत्त का केंद्र जो है और बड़ा वाला वृत्त का केंद्र दोनों को अगर मिलाते हैं तब ये शंकु के छिनक का ऊंचाई कहलाता है। इसको एच से दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस शंकु के छिनक का
ऊंचाई कहलाता है, और बड़ा वाला त्रिज्या को हम मान लिए हैं, ये वाला त्रिज्या बड़ा है तो बड़ा वाला त्रिज्या को हम आर टू माने हैं, और छोटा वाला त्रिज्या जिधर छोटा होगा उधर हम लोग आर वन मानेंगे। और इस तिरछी ऊंचाई जो बन रही है इसको कहते हैं एल, एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ शंकु का तिर्यक ऊंचाई नहीं बोलेंगे, शंकु के छिनक का तिर्यक ऊंचाई होगा जिसको एल कहते हैं। और एल के बारे में फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ पे जो शंकु के छिनक में तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगता है वो है एच का स्क्वायर प्लस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर। जी हाँ, ये बात याद रखिएगा कि जैसा कि शंकु के तिर्यक ऊंचाई में रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता था, यहाँ पे शंकु के छिनक के लिए तिर्यक ऊंचाई एल को क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। अब इस तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा शंकु का छिनक। तो शंकु के छिनक के बारे में आप समझ गए कि छिनक कहते किसको हैं। अब जरा हम इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि आखिर आपको जनरल लाइफ में अपने जिंदगी में लाइफ में छिनक का क्या क्या उदाहरण देख सकते हैं। तो पहला उदाहरण हम पेश करते हैं दोस्त, पहला उदाहरण कुछ इस तरीके से है, ये रहा, ठीक है, आप ऐसा उदाहरण देखे होंगे, ये हुआ दोस्त हम लोगों का बाल्टी। आप अगर बाल्टी को देखे होंगे जो घर में यूज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं छिनक ही है, ये शंकु का छिनक कहलाएगा। तो ये वाला, ये तो डंटी हो गया टांगने वाला ना, ये डंटी टांगने वाला हो गया, तो इसको हम लोग शंकु के छिनक नहीं कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये वाला और ये वाला शंकु का छिनक। तो सबसे पहले हम लोग जनरल डे टू डे लाइफ में शंकु के छिनक का उदाहरण देखते हैं। पहला हो गया बाल्टी, दूसरा हम लोग बात करें तो ये देख लीजिए, दूसरा बनाते हैं हम लोग। तो पहले एग्जांपल्स तो आप देख ही रहे हैं, बाल्टी जो है छिनक का एग्जांपल्स हो गया। फिर अभी जो फिगर बना रहे हैं आप देखते चलिए, ये हम लोग फिगर बना रहे हैं, ये आपको दिखता होगा जहाँ पे पार्टी उटी फंक्शन उंक्शन होती है तो इतना बड़ा कड़ाही में आपको सब्जी वगैरह बनता है, तो ये एक तरह का कड़ाही हो गया, कड़ाहा जिसको कहते हैं। ठीक है, ये धरने वाला हो गया, ये जो भी बनाते हैं तो उनके पास ये इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं, ये देख पा रहे होंगे ये वाला भाग, ये पूरा कड़ाहा है। कड़ाही तो हम लोग सिंपल घर में यूज करते हैं, ये बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में बनाया जाता है कड़ाहा में सब्जी वगैरह, तो ये आपको एक छिनक का दिख रहा है। तीसरा एग्जांपल्स पे आते हैं, आप दूध पीते होंगे या पानी पीते होंगे तो उसके लिए आप ग्लास का यूज करते होंगे, तो ये जो ग्लास यूज करते हैं आप, ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का आपको छिनक ही है। देख पा रहे होंगे ये जो ग्लास है इसमें आप कुछ भी पानी वगैरह पीते हैं तो एक तरह का छिनक हो गया, ये हो गया ग्लास, ये हो गया कड़ाहा। तो कुल मिलाकर ये सभी एग्जांपल्स क्या थे, सभी एग्जाम्पल्स आपको छिनक के थे, शंकु का छिनक। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग बात कर लेते हैं कि छिनक का क्या क्या फार्मूला है। तो छिनक में तो जानते ही हैं कि छिनक में छोटा त्रिज्या आर वन हुआ, बड़ा त्रिज्या आर टू हुआ, एच मतलब शंकु के छिनक की ऊंचाई। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नोट में कि जो भी शंकु के छिनक के लिए होगा, शंकु के छिनक के लिए कितने सारी चीजें होती है, तो छोटी त्रिज्या होगी, छोटी त्रिज्या जिसको हम लोग R1 कह सकते हैं,
बड़ी त्रिज्या का यूज करना है। बड़ी त्रिज्या को हम लोग आर टू कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई, शंकु के छिनक का ऊंचाई जिसको एच बोल रहे हैं, शंकु के छिनक में तिर्यक ऊंचाई होता है जिसको एल कहते हैं। और एल का फार्मूला याद रखिएगा, हमेशा रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस बड़ा वाला त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या को घटाते हैं। तो बड़ा वाला त्रिज्या क्या है, आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर। पहला फार्मूला याद रखना है, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि शंकु के छिनक का आयतन, शंकु के छिनक के आयतन, शंकु के छिनक का आयतन कितना होगा, तो 1/3 पाई एच और ब्रैकेट में आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। ध्यान रहे, शंकु के छिनक का आयतन कैसे निकालते हैं, तो 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। तो कुल मिलाकर ये पहला फार्मूला याद रखना है, ये है शंकु के छिनक का आयतन। जी हाँ दोस्तों, आयतन ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि शंकु के छिनक का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। दूसरे फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, शंकु का छिनक का, शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जी हाँ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका मतलब समझिए, जैसे गिलास वगैरह है, तो जोन जिसको हम लोग पकड़ के गिलास में पानी पीते हैं चारों तरफ वाला को, उसको वक्र पृष्ठ कहेंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला याद रख लीजिए, पाई एल और ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू होता है। पाई मतलब इसका वैल्यू 22/7 नहीं तो 3.14, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। अगर सवाल में ऊंचाई दिया रहे और दोनों त्रिज्या दिया रहे तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा, तिर्यक ऊंचाई निकाल कर यहाँ रखना होगा, यानी कि शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई एल ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू। वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं, चारों तरफ वाला को, गिलास को पकड़कर जो हम लोग पीते हैं तो जिस भाग को पकड़ते हैं वह कहलाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर हम लोग बात कर लेते हैं शंकु के छिनक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जी हाँ दोस्त, संपूर्ण बोला जाता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, संपूर्ण का मतलब पूरा, ठीक है। तो याद रख लीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो संपूर्ण वाला में तो वक्र वाला तो ऐड होगा ही होगा, यानी कि पाई एल ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू, ठीक है। और प्लस दोनों तरफ वाला वृत्त, एक तरफ वाला आर वन त्रिज्या है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर वन स्क्वायर और पाई आर टू स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला दोस्तों, शंकु के छिनक का आयतन 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। आर वन आर टू क्या है, दोनों तरफ का त्रिज्या है, बड़ा वाला त्रिज्या आर टू है, छोटा वाला त्रिज्या आर वन है, और प्लस आर वन इंटू आर टू, ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पाई एल ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, तो ये वाला वक्र पृष्ठ तो होगा ही होगा, और दोनों तरफ का जो वृत्त है, एक तरफ का त्रिज्या आर वन है, एक तरफ का त्रिज्या आर टू है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो एक होगा पाई आर वन स्क्वायर और दूसरा होगा पाई आर टू का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों का ये तीन इम्पोर्टेंट फार्मूला आप अच्छे तरीके से, जितना भी चीज़ बताए हुए हैं, इधर वाला पूरा छिनक के बारे में नोट कर लीजिएगा, उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, शंकु का ऊंचाई किसको कहेंगे, छोटी त्रिज्या क्या है, बड़ी त्रिज्या क्या है, तिर्यक ऊंचाई क्या है, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा ये तीन इम्पोर्टेंट फार्मूला, और फिर
नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चंस के साथ। तो आज आपको काम क्या है, ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रख लेना है। आपको ये भी समझना है कि वक्र पृष्ठ कहते किसको हैं, संपूर्ण पृष्ठ किसको कहेंगे। तो संपूर्ण वाला में तो वक्र वाला तो आ ही गया, ठीक है, चारों तरफ से जो पकड़े हुए हैं, उसके साथ साथ ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला नीचे वाला का मतलब जो गिलास का नीचे वाला भाग हुआ और ऊपर वाला भाग हुआ, वो सब शामिल हो गया, तब उसको संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।